हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने टेबल्स क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, तो उसमें हमने टेबल क्रिएट किया था। अब उस टेबल में हम वैल्यूज क्रिएट करेंगे। तो हमारे डाटाबेस ओपन कर लेते हैं। तो डाटाबेस ओपन करने के लिए कमांड होती है यूज, डाटाबेस का नेम था हमारा प्लस टू और उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन। डाटाबेस चेंज हो चुका है हमारा, प्लस टू नाम के डाटाबेस में एंटर हो चुके हैं। अब प्लस टू नाम के डाटाबेस अगर में हमें अगर टेबल देखना है तो हम कौन सी कमांड लिखते थे, शो टेबल्स लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे एंटर। तो हमारे प्लस टू नाम के डाटाबेस में स्टूडेंट नाम का जो है टेबल क्रिएट है। अब इस स्टूडेंट नाम के टेबल को ओपन करना होगा तो हम कमांड लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन और ये आपका टेबल जो है, इस तरह का आपने टेबल क्रिएट किया था। अब इस टेबल में हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम डीएमएल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और यहां पे लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए पहली हमारी जो कॉलम है उस वो क्या है, रोल नंबर का। तो रोल नंबर हम दे देंगे, कुछ भी दे दिया, मान लो 1 रोल नंबर दे दिया। उसके बाद लगाएंगे कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है, नेम। तो उस बंदे का नेम क्या होगा, तो नेम मान लो है स्वाति नाम है। ठीक है, स्वाति, तो इसके अंदर इसको हम लिखेंगे कॉमास के अंदर इस तरह से, और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद सिटी कौन सी है उसकी, मान लो है दिल्ली है। ठीक है, फिर तो इसको भी हम लिखेंगे कॉलम्स में। ओके, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। उसके कौन सी फील्ड है, क्लास, तो क्लास उसकी आगे मान लो +2। उसका फोन नंबर मान लो 123, हमने कुछ भी लिख दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद उसकी जेंडर क्या है, तो जेंडर मान लो फीमेल है, तो यहां पे लिख देंगे एफ लिख देंगे यहां पे और कॉलन लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ओके, इसी तरह हम दूसरी रो भी इंसर्ट करेंगे। तो क्या कमांड लिखेंगे, देखो इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज। तो वैल्यूज, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम रोल नंबर 2 है मान लो, तो रोल नंबर 2 आ गया, यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट हो गया, सेजल, सिटी मान लो उसकी दिल्ली है, क्लास उसकी +2 है, रोल नंबर उसका फोन नंबर क्या है 3 और जेंडर उसका फीमेल है। देखो फर्स्ट वाला कॉलम है 2, नेम सेजल, सिटी उसकी दिल्ली है, क्लास उसकी +2 है, उसके बाद मेरी फोन नंबर वाली फील्ड, तो फोन नंबर वाली फील्ड लिख ली और उसका जेंडर क्या है फीमेल। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी रो भी टेबल में इंसर्ट होगी। अब तीसरी रो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही करना है। रोल नंबर पहले 3 लिख दिया, नेम अनिकेत लिख दिया, सिटी दिल्ली लिख दी, क्लास +2 लिख दी, फोन नंबर लिख दिया उसका और जेंडर लिख दिया उसका। ओके, तो इस तरह से ये सारी फील्ड जो होंगी आपके टेबल में जो है एंटर हो चुकी होंगी। अब जो आपने टेबल क्रिएट किया है, जो वैल्यूज आपने टेबल में इंसर्ट की, उन वैल्यूज को देखने के लिए, उन वैल्यूज को फेच करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, साथ में लिखते हैं उसका टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है हमारे, स्टूडेंट और यहां पे लग जाएगा सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट की थी, रोल नंबर 1 स्वाति, दिल्ली और +2 और ये सारे जो हैं वैल्यूज, 3 वैल्यूज इंसर्ट की थी।
ठीक है। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज इंसर्ट की टेबल में उनको भी चेक किया जा सकता है। और भी इसमें अगर वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो फिर से वही एक मान लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखेंगे वैल्यूज, और इस तरह से इस टेबल को और क्रिएट कर सकते हैं जितने स्टूडेंट्स आपके पास होंगे। ओके, डेटाबेस में आपने कुछ स्पेसिफिक फील्ड देखनी है, सारे फील्ड्स नहीं देखनी है टेबल की। तो स्पेसिफिक फील्ड देखने के लिए मान लो अगर आपने रोल नंबर और नेम ही देखना है तो ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखते थे स्टार, पर स्टार नहीं लिखेंगे। स्टार जो है आपके पूरे के पूरे पूरी जो टेबल की वैल्यूज होती है उन सबको शो करता है, ठीक है। बट अगर आपको स्पेसिफिक फील्ड देखनी है तो उन सिलेक्ट के साथ उन फील्ड का नेम देंगे। जैसे अगर आपको देखनी है रोल नंबर, रोल नंबर कॉमा नेम, और आपने मान लो देखना है उसका जेंडर देखना है, तो यहाँ पे उन फील्ड का नेम लिख देंगे हम, ठीक है। और स्टार फ्रॉम लिखते थे, फ्रॉम और उसके बाद क्या लिखते थे हम टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है हमारे स्टूडेंट, उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन, उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक फील्ड्स देखनी थी, कौन कौन सी देखनी थी, रोल नंबर नेम एंड जेंडर, तो वही फील्ड्स आपको शो हुई है, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरी फील्ड्स देखनी है तो आपको मैंने बताया कौन सी कमांड होती है सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट और सेमीकोलन लगाएंगे तो आपको सारी की सारी फील्ड्स शो होगी, रोल नंबर नेम सिटी क्लास और ये सारी फील्ड शो हो जाती है। स्पेसिफिक देखनी हो तो उन स्पेसिफिक फील्ड का नाम लिख देते हैं, ठीक है।